أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يسرون القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من şeyin fe inna Allah bi ali sadakallahu Para number 4, Ruku number 1. इशादे इलाही है लोगो अपनी पसंदीदा चीजें राह हक में खर्च किए बगैर नेकी की हकीकत तक रसाई नामुमकिन है यानी अल्लाह के रास्ते में वो चीज खर्च करो जो तुम्हें खुद पसंद हो अल्लाह के रास्ते में किसी गरीब को कपड़े देने हैं जूते देने हैं खाना लेकर देना है राशन देना है रहायश देनी है तो वो चीज देनी है जो इंसान खुद अपने लिए पसंद करता है ऐसे नहीं है कि खुद पांच हजार का जोड़ा पहनते हैं और गरीब और मस्किन को देने की बारी आई तो दो तीन हजार का लेकर दे दिया जाए लो क्वालिटी का लो प्राइस का तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसी चीजें खर्च करोगे तो नेकी की हकीकत तक, तक तुम कभी भी नहीं पहुंच सकते उसके बाद अल्लाह ताला ने यहूदियों के दो एतराज का जवाब दिया उनका एक एतराज ये था कि अगर कुरान की दावत भी वही है जो पिछले नबियों की थी तो कुरान ने उन तमाम चीजों को क्यों हराम करार नहीं दिया जो यहूदियों के यहाँ हराम समझी जाती थी फरमाया तोरात नाजुल होने से पहले खाने की तमाम अच्छी चीजें बने इसराइल के लिए जायज थी और हज़रत इब्राहिम से लेकर हजरत तक तमाम अम्बिया ने उन्हें हलाल रखा था। फिर जब तौरात नाजुल इस्तेमाल रोक दिया गया इसलिए नहीं कि असलन वो हराम थी बल्कि इसलिए कि यहूद की बे लगाम तबीयतों की इसलाह के लिए जरूरी था कि रोक टोक में सख्ती की जाए बाकी रही वो चीजें जिनकी निस्बत तुम समझते हो कि नजूले तौरा से पहले भी ममनू थी तो याद रखो उन्हें अल्लाह की शरीयत ने ममनू नहीं ठहराया था खुद तुम्हारे लोगों ने अपनी तबीयत से तर्क कर दिया था रहा दूसरा एतराज कि मकदस की जगह बैतुल्ला खाना काबा क्यों किबला करार दिया गया है तो क्या हकीकत नहीं कि खाना काबा की तामीर खुद हजरत इब्राहिम ने फरमाई थी लिहाजा हजरत इब्राहिम का तामीर करदा अव्वलिन किबला बैतलमस नहीं बल्कि खाना काबा है उसमें मकाम इब्राहिम भी है अमन दख अलहू का नामा जो उसमें दाखिल होगा वो अमन पाएगा अल्लाह की तरफ से नोए इंसानी पर उसका हज फर्ज है जो इसद रखता हो अहले किताब तुम आयात इलाही के मुनकर न बनो और लोगों को राह हक से न रोको तुम आयात इलाही पढ़कर कैसे इनकार करते हो जो अल्लाह की रस्सी को थाम लेगा वो ही हिदायत पाएगा और यही सिरात मुस्तकीम है रकू नंबर दो ईमान वालों से कहा गया कि यहूदो नसारा की गुमराहाना बातों की पैरवी न करो खौफ खुदा दिल में रखो इस्लाम पर कायम रहो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो हमेशा ईमान की बरकतें ईमान पर कायम रहने से मिलती हैं कंप्रोमाइज से नहीं कि जहां जहां आपकी ख्वाहिश कुछ और चाहती हैं वहां हम इस्लाम पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो ईमान की वो बरकतें आपको नहीं मिलेंगी इस इख्तियार करनी है रिश्तेदार नाराज हो जाएं दोस्त नाराज हो जाएं लोग ये ताने दें ना कट जाने का ताना दें जिस चीज का मर्जी ताना दे लेकिन ईमान और इस्लाम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए ये अल्लाह पाक का एहसान है कि तुम इख्तलाफा के सबब आग के गढ़े पर थे उसने तुम्हें बचा लिया मिन्हा लिहाजा हमेशा आपस में इख्तलाफ करने से बचो तुम में से एक ग्रो ऐसा होना चाहिए जो खैर की तरफ बुलाने वाला हो जो नेकी का हुक्म करता रहे और बुराई से मना करे यही लोग फला पाएंगे इख्तिलाफ करने वाले सया रू होंगे और नेकोकारों के चेहरे नूर से चमकते होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे रुकू नंबर तीन अल्लाह ने मुसलमानों को मुखातिब करके फरमाया तुम खैर उम्मत बनाए गए हो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नोए इंसानी को नेकी का हुक्म दो बुराई से रोको और अल्लाह पर कामिल ईमान रखो अहले किताब ईमान ले आते तो उसमें उन्हीं का भला था उनमें ईमान वाले कम है नाफरमान ज्यादा है लेकिन वो तुम्हारा कुछ बड़ा नुकसान न कर सकेंगे जिल्लत उनका मुकद्दर हो चुकी है इल्ला ये के अल्लाह की रस्सी को थाम लें या लोगों की पनाह में आ जाएं। वो अल्लाह के गजब की लपेट में आ चुके हैं और नदारी उन पर मुसलत हो चुकी है क्योंकि वो आयात इलाही का इनकार करते रहे और अम्बिया को ना हक कत्ल करते थे इन संगीन जराइम की वजह से उनकी नाफरमानी और हद से बढ़ ना हुई अहले किताब में सब बराबर नहीं उनमें कुछ नेकोकार खुदा तर्स और इबादत गुजार भी है जो ईमान और अमले खैर की सफात के हामिल है अल्लाह करीम किसी की नेकी की ना कदरी नहीं फरमाता है जहां तक कुफार का तालुक है, उनकी औलाद या दौलत उन्हें अंजामे बद से ना बचा सकेगी मुसलमानों पर लाजिम है कि वो गैरों को अपना हमराज और हम दम न बनाए वो तुम्हारी बद खाही पर हर दम तुले रहते हैं जुबान से इस कदर दुश्मनी का इजहार नहीं करते जिस कदर दिल में बुगजों अदावत रखते हैं तुम बेशक उन्हें दोस्त समझो वो कभी तुम्हारे खैर खां नहीं हो सकते मुंह पर ईमान की बात करें भी तो पसे पुष्त तो गुस्से से अपनी उंगलियां काटते हैं तुम्हारी आसूदगी से उनके दिलों पर सांप लौटते हैं और तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो बेहद खुश होते हैं अगर तुमने सबर का दामन हाथ से ना छोड़ा और परहेजगारी इख्तियार की तो उनके मकरो फरेब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे रकू नंबर चार फरमाया तुम गजब बदर के हालात याद करो तुम मैदान जंग की तरफ निकले तो तुम्हारी कैफियत क्या थी लेकिन तुम्हारी बेसरो और तादाद के बावजूद अल्लाह बजुर्गो बरतरने दुश्मन हक पर फते अता फरमाई तुम्हारी मदद को गैब से फरिश्ते भेजे ये मदद बशारत का जरिया और तुम्हारे दिलों के इतमान के लिए थी फते व नुसरत अल्लाह जला शाहू के कब्जा में है अल्लाह उन्हें माफ करने या हलाक करने पर पूरी तरह कादिर है जमीन व आसमान में जो कुछ है सब उसी का है रकू नंबर पांच इस रकू में मालिक हकीकी अहले ईमान से यूं मुखातिब है कि ईमान वालों सूद की हराम कमाई ना खाओ और दोजख की आग से बचो वो कुफर और इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है फैली हुई है वो उन नेकोकारों के लिए तैयार की गई है जो हर सूरत अपना माल राह में खर्च करते हैं गुस्सा को पी जाते हैं लोगों को माफ करते हैं और एहसान की रव शिख करते हैं कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह करीम की तरफ से बख्शिश के तालिब हो जाती हैं और जान बुझ कर बुराई पर जिद नहीं करते यही लोग मफिरत और जन्नत के मुस्तक है याद रखो तुमसे पहले कितनी ही कौमें गुजर चुकी हैं जमीन पर चल फिर कर उनका अंजाम देखो यह कुरान नौ इंसानी के लिए बयान है और अहल तकवा के लिए हिदायतो नसीहत है गजबाएद में अगर तुम्हें नुकसान पहुंचा है तो इससे कबल तो दूसरे भी जख्म खारी जख्म कारी खा चुके हैं तुम बददिल ना हो तुम ही गालिब आओगे अगर तुम तो सादिक हो दिन बदलते रहती हैं इन हालात से अल्लाह तला का मकसूद ये होता है कि वह अहले ईमान को मुमताज व नुमाया कर दे तुम्हें गवाह ठहराए मोमिनों को खालिश कर दे और कुफार को मिटा दे तिल कल ये अल्लाह का निजाम है वो चेंज करता रहता है आज का गरीब कल को अमीर हो सकता है आज का अरब पति कल को जक़ात लेने पर मजबूर हो सकता है इसलिए हमेशा अल्लाह से डरे अपनी माल पर अपनी दौलत पर अपनी औलाद पर कभी फख्र ना करें अपने इल्म पर अपनी डिग्रियों पर अपनी सलाहियतों पर कभी गुरूर नहीं करना चाहिए ये सब आर्जी और फना होने वाली चीजें हैं ये इंसानी हाथों की मैल है आज तुम्हारे पास है कल को किसी और के पास होगा आज कोई तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर कर जक़ात मांग रहा है हो सकता है कल को आप किसी के सामने हाथ फैलाकर कर जक़ात मांग रहे हो क्या तुम गुमान करते हो कि इम्तिहान आजमाइश के, के बगैर जन्नत में दाखिल हो जाओगे अमह हसीब तुम अंतदुल जन्नता तुम तो खुद शहादत की मौत के तालिब थे सो अब तुमने उसे अपनी आंखों से देख लिया है नंबर छ इसके बाद फरमाया अगर हजूर वसल्लम दुनिया से तशीफ ले जाए तो क्या तुम दीन छोड़ दोगे अगर खुदा न खास्ता तुम ऐसा करोगे तो उससे अल्लाह का क्या नुकसान होगा याद रखो मौत के लिए एक वक्त मुन है हम दुनिया के तालिब को दुनिया और आखिरत के तालिब को आखरत की नियमतें अता फरमाती तुमसे पहले भी अल्लाह वालों ने बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई हैं मगर उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई और दिल बर्दाश्ता नहीं हुए और रब करीम से यह दुआ करते रहे अ मौला हमारी गलतियां बख्शते अपने मामला हमसे जो ज्यादतियां हुई हैं उन्हें मुआफ करते हमें साबित कदम रख और कुफार के मुकाबले में फतेह व नुसरत अता फरमा अल्लाह उन्हें दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदलाता फरमाया वो नेको कारों को दोस्त रखता है रकू नंबर वालों को इस रकू में दोबारा याद दिलाया जा रहा है कि काफरों का कहा ना मानना वो तुम्हें सीधे रास्ते से हटा देंगे उसके बाद गजबा ओहद के चंद की तरफ इशारात हैं मसलन ये कि अल्लाह तंगे ओहद में अपना वादा पूरा कर दिया था मगर तुमने खुद हजूर सल्ला के एक हुक्म की खिलाफ वर्जी की जिसका नतीजा ये हुआ कि तुम जख्मी तुम्हें कारी लगा और दुख पहुंचा मगर देखो फिर अल्लाह तला ने तुम पर इस शकिस के बाद इतमान नाजल फरमाया ये कितनी बड़ी मेहरबानी थी बाद लोग कहने लगे कि अगर मुसलमान हमारी बात मान लेते तो कत्ल न होते खूब याद रखो सुन लो तुम घरों में पड़े रहते तब भी जिनका कत्ल होना तय कर दिया गया था वो कैसे और कहां बच सकते थे उनको तो मकामी शहादत तक पहुंचना ही था जाओ फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे कसूर माफ कर दिए वो बहुत बख्शिश करने वाला और बुरदबार है रुकू नंबर आठ ईमान वालों अल्लाह की राह में शहादत बड़ी नियामत है इस पर पछताने की क्या जरूरत इस पर तुम्हें बख्शिश मिलेगी और रहमत मिलेगी ये वो मकाम है जो दुनिया की हर नेमत से बढ़कर है यह अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हारी तरफ नरम खून मबूस फरमाया जो आलमीन है जो किसी तौर पर दरश्त मिजाज नहीं है सख्त गीर मिजाज नहीं है साथ ही हजूर सल्लाम को हुक्म हुआ आप इनके कसूर माफ कर दें क्योंकि इसमें इनकी बदनीयती का कोई दखल नहीं आप इनसे मशवरा कर लिया करें लेकिन किसी बात का आज़म कर लें फैजा आजम था अल्लाह। तो फिर अल्लाह पर भरोसा करके अमल पैरा हो जाए फिर मुसलमानों को याद दिलाया ये ना भूलो कि असल मदद अल्लाह की मदद है वो मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता और वो मदद करना छोड़ दे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता पर अल्लाह ताला का एहसान है, है, है और पाक करता है जो मुसीबत जंगद में आई उसमें से एक तो तकदीर का दखल था दूसरे तुम्हारी बाज बेतदबीरियों का याद रखो अल्लाह की राह में काम आने वाले जिंदा व जावेद हैं उनके बारे में ये ख्याल भी ना करना कि वो मर गए हैं वो तो अपने रब के अफजाल इनाम पर खुश है और अपने पीछे रह जाने वालों को अल्लाह करीम की की बशारत दे रहे है रुकू नंबर नौ जिन मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर लबई कहा उसके बावजूद के वो जख्मी थे उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा अजर है उन्हें कुफार के लश्करों से डराया गया लेकिन खौफ की बजाय उनके ईमान और तवक्ल में इजाफा हुआ काफिर अहले ईमान का या अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अल्लाह ने मुनकिरों को आखरत की हर नेमत से उनको महरूम कर दिया है उनके लिए दर्दनाक अजाब की वाइद है अलबत्त अल्लाह ईमान वालों को इस हाल में नहीं छोड़ना चाहते कि पाक और नपाक में कोई तमीज़ ही ना हो और नपाक को पाक से जुदा न कर दे तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान पुख्ता रखो अगर तुम ईमान पर कायम रहे और परहेजगारी इख्तियार की तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है रकू का खात्मा इस इर्शाद पर हुआ है कि बखील राह हक में माल के बुखल से खुश ना हो जमीन व आसमान का वारिस अल्लाह है ये माल करीब उनके गले का तोक बन जाएगा अल्लाह ताला हर अमल से बाखबर है रुकू नंबर दस हर दावत के इब्तदाई दौर की तरह इस्लाम का इब्तदाई जमाना तंगी और सख्ती का जमाना था उन अयाम में राह के लिए माल की जरूरत बराबर पेश आती रहती थी मुनाफिकों पर यह बात शाक गुजरती थी वो कहते कि ये जो बार बार अल्लाह के नाम पर तलब किया जा रहा है क्या अल्लाह मोहताज हो गया है और हमारे पास जखीरे भरे पड़े हैं कि लुटाते रहे फिर मुनाफकों की तरह ज्यादातर तादाद उन लोगों पर मुश्तमिल थी जो यहूदियत छोड़कर इस तरफ आए थे उनको फरमाया गया कि तुमने तो अपने नबियों को भी कत्ल करने से दरेग नहीं किया आज अगर तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐतराज करते हो तो यह कोई नई बात नहीं अल्लाह जला शाह ने ईमान वालों को फरमाया कि इस राह में जानो माल की आजमाइशों से गुजरना नागुजर दुश्मनों के हाथों अजियत बर्दाश्त करने के मौके भी आते हैं तुम्हारे हाथों से अगर रिश्ता सबर व तकवा न छूटता तो ये बात बुरी बात हो अल्लाह ने तहले किताब से पैमान लिए थे कि उन्होंने हर पैमान को पसे पुश डाल दिया लेकिन वह इस पर नाजा ना हूं उनके लिए दर्दनाक आजाब है रुकू नंबर ग्यारह मार्फत का सर चश्मा जिक्र फिकर है जिक्र फिक्र से गफलत दूर होगी और मार्फत के दरवाजे खुल जाएंगे अहले ईमान बेसाख्ता कह उठते हैं परवर दिगार रबान खलकहा बातिला ये सारा निज़ाम कायनात बातिल नहीं है तू हमें अजाब जहन्नुम से बचा ले कि ये निरी रसवाई का मकाम है ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الْأَبْرَارِ ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تُخْزِنَا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد يدعي الايمان الله سے کرتے رہتے ہیں اب سورت کا और ये गोया सूरत के तमाम बयान का खुलासा है सूर इमरान का नंबर एक दुश्मन हक दावत कुरानी के खिलाफ कितनी ही कोशिश कर लें और बजाहिर कितने ही कामयाब नजर आए बल आखिर होना यह है कि इस्लाम ही गालिब होगा नंबर दो अहले किताब की जो जमातें इस्लाम का मुकाबला कर रही हैं उन सब के लिए बिल आखिर नाम है और तबाह है अलबत्ता जो लोग सच्चाई की राह इख्तियार कर लेंगे उनके लिए कोई खटका नहीं वो नेक कामों का अजर जरूर पाएंगे नंबर तीन अहले ईमान के दस्तूर का खुलासा यह है कि वो इंफरादी तौर पर भी साबित कदम रहें इज्तमाहीबार से भी सबर का दामन थामे रहें रब्त बाहमी से जमे रहें खौफ खुदा दिल में रखें कामयाबी व कामरानी उनका मुकद्र इसके बाद सूरा निसा का आगाज हो जाता है ये मदनी सूरा है जिसके चौबीस रकू हैं और एक सौ छिहत्तर आयात और पारे का रकू नंबर बारह है इशादे इलाही है ए लोगो अपने रब से डरते रहो या यु न सुबक जिसने सबको एक ही माँ बाप से पैदा किया है सब आदम और ही की औलाद है तुम्हें खराबत दारी और रिश्तेदारी का एहतराम कायम रखना चाहिए यथीबों के हकूक अदा करना बड़ी जिम्मेदारी की बात है ताकतवर सरपरस्त अपने रिश्तेदार यतीबों का माल हड़प करने की तदबीरें हर गज ना करे इंसाफ पर कायम रह सकते हूँ तो चार तक औरतों से निकाह की मशरूत इजाजत है अगर इंसाफ करने की हिम्मत ना हो तो एक ही निका करें औरतों को उनके महर खुश दिली से अदा करें वो खुद अपनी मर्जी से छोड़ दें तो दूसरी बात है। रुपया पैसा गुजरान उनका जरिया है वारिस नदान यतीमों के हाथों में ना दें। यतीम जब समझ बूझ की उम्र को पहुंच जाए तो उनके माल उनके सपुर्द कर दें कोई सरपरस्त यतीम के बड़े हो जाने के अंदेशे से उसका माल और जायदाद उसके बालिग होने से पहले ही ठिकाने लगा देने की कोशिश ना करे वरासत में मर्दों और औरतों के हिस्से मुकर कर दिए गए हैं ताहम वरासत की तकसीम के वक्त अगर गैर हिस्सादार मस्किन यतीम वगैरह आ जाए तो वारिस बहमी मशवरे से उनकी कुछ न कुछ खिदमत करते। दे यतीमों का हक मारने वाले डरे कि उनके बच्चे भी यतीम हो सकते हैं जो लोग यतीमों का माल नजायज तौर पर खा रहे हैं वो अपने पेटो में जहनुम की आग भर रहे है नंबर मरने वालों का एक बटा तीन से पूरी की जाएगी उसके बाद वरासत इन असूलों के तहत तकसीम होगी मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है अगर मैयत के वारस दो से ज्यादा लड़कियां हूं तो उन्हें तरके का दो तहाई दिया जाएगा अगर एक लड़की वारिस हो तो आधी जायदाद उसकी है माँ बाप को छठा हिस्सा मिलेगा बीवी मर जाए और उसकी औलाद हो तो खामद को चौथा हिस्सा मिलेगा अगर खामद मर जाए और उसकी औलाद हो तो बीवी को आठवां हिस्सा मिलेगा अगर खामद की औलाद ना हो तो बीवी को चौथा और अगर बीवी की औलाद ना हो तो खामद को आधा माल मिल जाएगा अगर मैयत साहब औलाद न हो और वाल वारिश हो तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाएगा अगर मैयत के बहन भाई हूं तो माँ छठे हिस्से की हकदार होगी अगर मरने वाला बे औलाद मरा और उसके माँ बाप भी जिंदा नहीं मगर उसका एक भाई या एक बहन है तो भाई और बहन हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा भाई बहन एक से ज्यादा हूं तो कुल जायदाद के एक तहाई में वो सब शरीक होंगे ये अल्लाह का हुक्म है इस पर अमल करने से जन्नत मिलेगी और ये बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी नाफरमानी से कुन अजाब मिलेगा नंबर चौदह कोई औरत बदकारी का मरतकब हो तो उस पर हर चार आदमियों की गवाही और आखिरी फैसला आने तक घरों में बंद रखो मुजरमों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करो कि वो इसलाह पर मजबूर हो जाए तोबा उनकी कबूल है जिससे नदानी के बायस कोई बुरा काम हो गया तो फिर उन्होंने जल्द तोबा कर ली जो लोग तोबा करने के लिए मौत की घड़ी का इंतजार कर रहे हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि उस वक्त की तोबा बेमानी है और उनकी तोबा भी कबूल नहीं जो कुफर की हालत में मर जाए औरतों के जबरदस्ती बारिश ना बनो और उन्हें तंग करके उनके महर उड़ाने की कोशिश भी ना करो हाँ वो वाजे तौर पर बदचलन हो तो दूसरी बात है नजायज तरीके इख्तियार करके महर वसूल करना जुल्म है खा तुम तो महर में ढेर सा माल दे चुके हो अपने बापों की बीवियों से सुतीली माओ से निकाह करना बहुत बड़ी बेहि है रुकू तो नंबर चौदह दर्ज जैल औरतों के साथ निकाह हराम है माए बेटियां बहने फूपियां खलाएं भतीजिया भानजियां दूध पिलाने वाली माए दूध शरीक बहने बीवियों की माए यानी सास तुम्हारी बीवियों की लड़कियां जो पहले खामिदों से है और तुम्हारे बेटों की बीवियां जिसे हम बहू कहते हैं इनसे मर्द का का हराम है वह आखिर उदावाना अनिलहमदुल्ला